स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 10 मई की देखते हैं स्पीड न्यूज। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में जारी इसराइल हमास मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। इसराइल ने अपनी हट धर्मी बरकरार रखते हुए अपना वफ्द बुला लिया वापस। इसराइल ने रफा शहर पर अपने हमले कर दिए तेज। ताज़ा हमले में 94 फलस्तीनी शहीद। शहदा के रिश्तेदारों ने अपने प्यारों को घरों में ही किया दफन। इंसानी तबाही की बदतरीन मिसाल। रफा में हमले को लेकर जो बाइडन की धमकी के बावजूद भी नेतन्याहू अपनी हट धर्मी पर अटल। कहा, अगर अमेरिका ने रोक दिए हथियार तो अपने नाखूनों से लड़ेंगे। जब तक गजा में जंग बंदी नहीं हो जाती उस वक्त तक नहीं करेंगे तिजारत। इसराइल के साथ बिजनेस रिलेशंस को लेकर तुर्किया ने कर दिया वाज़ेह। यूरोविजन सेमीफाइनल से कबल मारूफ एक्टिविस्ट ग्रेटा थंडरबर्ग फलस्तीनी हामी मुजाहिरों में शामिल। स्वीडन के मालमो में 1,00,000 अफराद का इसराइली मुहिम के खिलाफ एहतजाज। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनई ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। कहा, अगर इसराइल से ईरान को वजूद को हुआ खतरा तो न्यूक्लियर बनाने पर हो जाएंगे मजबूर। बांग्लादेश में आसमानी बिजली का कहर। गुज़िश्ता 38 दिनों में 33 किसानों समेत 74 शहरी जां बहक। आसमानी बिजली गिरने से रोज़ाना 11 अफराद हलाक। भारत में लोकसभा इलेक्शन के बीच रूस का सनसनीखेज दावा। अमेरिका पर भारत के इलेक्शन में मुदाखलत का लगाया इल्ज़ाम तो अमेरिका ने कहा, हिंदुस्तानी अवाम के हाथ में है फैसला। इंडिया इत्तेहाद में जोश। अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट से मिली 1 जून तक अबूरी जमानत। इंतकाबी तशहीर पर नहीं होगी कोई पाबंदी। इत्तेहाद ने कहा, सच की एक और जीत। कोलकाता में बुरी फंस सकती है बीजेपी। टीएमसी लीडर पर जिंसी ज्यादती का केस करने वाली दो खवातीन ने इल्ज़ाम लिया वापस। कहा, बीजेपी वालों ने दबाव डालकर जबरदस्ती वाइट पेपर पर लिए थे साइन। पीएम मोदी की बढ़ सकती है मुश्किलात। पीएम की नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर। सख्त कार्रवाई का किया गया मुतालबा। ईवीएम को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली में नई हुकूमत आई तो मशीनों को दरिया में फेंक दिया जाएगा। ईवीएम सिर्फ हम पर मुसल्लत। कांग्रेस बरसर इख्तदार आने पर अयोध्या में राम मंदिर पर लगा देगी बाबरी ताला। पीएम मोदी के इस मतनाज़ा बयान पर प्रियंका गांधी ने कहा, बाबरी ताला मोदी का तबसरा सरासर झूठ। यूपी में आने वाला है इंडिया इत्तेहाद का तूफान। कन्नौज में राहुल गांधी का जलसे से खिताब। कहा, जीतेंगे अखिलेश यादव। आइन और रिजर्वेशन को बचाने की है ये लड़ाई। जब अडानी और अंबानी ने बोरियों में भरकर कांग्रेस को दिया पैसा तो क्या कर रहे थे मोदी। कांग्रेस कायद जगनेश मेवानी का सवाल। मजीद पूछा, कार्रवाई करने से कौन रोक रहा। अडानी अंबानी बयान। पीएम मोदी को सुप्रिया शुनेती ने दिया जांच कराने का चैलेंज। दावा किया, मोदी के इंकशाफ से हिली हुई है बीजेपी। अमित शाह समेत सभी खौफजदा। अडानी अंबानी की जानिब से ब्लैक मनी। पीएम मोदी के बयान पर अलका लांबा की सख्त तनकीद। कहा, अब देखना होगा ईडी आईटी क्या करती है। वजीर आजम से पूछताछ होगी या नहीं। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम। प्रियंका गांधी को असदुद्दीन ओवैसी का मुंहतोड़ जवाब। कहा, हैदराबाद के दुल्हे भाई तो नहीं गए थे अमेठी, फिर भी हार गया आपका भाई। महाराष्ट्र भाजपा एमपी नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी सख्त। कहा, अकबरुद्दीन ओवैसी सालार का बच्चा है, मैंने रोक रखा है वरना संभाल नहीं पाओगे। 15 मिनट नहीं 15 सेकंड ही काफ़ी। नवनीत राणा की इश्तियाल अंगेज तकरीर पर सीएम रेवंत रेड्डी पर हम। इलेक्शन कमीशन से फौजदारी मुकदमा दर्ज करने और मुअत्तली का भी किया मुतालबा। अगर राहुल गांधी को वोट दिया गया तो वोट जाएगा पाकिस्तान।
बीजेपी एमपी नवनीत राणा के इस रिमार्क पर शादनगर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस ने दर्ज करवाया मुकदमा। हैदराबाद पहुंचे राहुल गांधी ने आरटीसी बस में सीएम रेवंत रेड्डी के साथ किया सफर। बस में खवातीन के लिए फ्री ट्रैवल स्कीम का किया मुआयना, वायरल हुआ वीडियो। मरकज में 4 जून को इंडिया इतिहाद की हुकूमत बनेगी और 15 अगस्त से मुल्क भर में खाली 30 लाख मुलाजिमतों को पुर करने का अमल होगा शुरू, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। तेलंगाना में बीआरएस का सफाया यकीनी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की पेश कयासी, साथ ही दावा किया बीआरएस उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बचेगी। सोने की कीमतों में अचानक उछाल, 24 कैरेट सोना 75,200 रुपये जबकि प्योर चांदी 840 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शिफा क्लिनिक, दौरे हाजिर के मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, शुगर का इलाज मुमकिन है। आपका इंसुलिन भी छूट सकता है, किडनी प्रॉब्लम भी होगा कंट्रोल, डायलिसिस करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक बार राब्ता करके देखिए, डायबिटिक फूड, शुगर के जख्म और दीगर स्किन इन्फेक्शन का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखिर किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक, गारंटीड ट्रीटमेंट, हैदर नगर, कुकटपल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद। अरफा टूर्स हज एंड उमरा ग्रुप, हज कर लो इस बार फिर ऐसा मौका मिले ना अगली बार, बजरिए अरफा टूर्स कम खर्च में मौका है इस बार, सिर्फ 5,67,890 रुपये। हज कमेटी में नाम न आने वाले आजमीन के लिए खसूसी पेशकश हज 2024, महदूद निश्ते दस्तयाब है। हज वीज़ा मुअल्लिम के साथ मक्का और मदीने मुनव्वरा की रिहाइश, 3 वक्त हैदराबादी खाना और साथ में मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें। क्लॉक टावर शिफ्टिंग ग्रुप 7,86,000 रुपये। तो देर ना करे, रब्त करे अरफात टूर्स हज एंड उमरा ग्रुप हाफिज मोहम्मद अफजल से 8686338469392644008 पर।